खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। भारतीय फिल्म जगत के हरफनमौला कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार का 4 अगस्त को जन्मदिन है। इस दिन खंडवा में उनकी समाधि पर देश भर से हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक माथा टेकने पहुंचते हैं। किशोर कुमार की अंतिम इच्छा के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर मुंबई से खंडवा लाया गया और इसी जन्मभूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके चाहने वालों ने इसी जगह उनकी समाधि बना दी, जो आज तक भगवान की तरह पूजी जा रही है। किशोर कुमार अक्सर फिल्मों में खंडवा का जिक्र करते थे, कई बार तो उन्होंने फिल्मों में अपने घर का भी पता बताया है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था। उनके पिता शहर के बड़े प्रतिष्ठित वकील थे। किशोर कुमार और अनुप कुमार की बात, किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर की स्कूली शिक्षा खंडवा में ही पूरी हुई, उसके बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया गया। किशोर कुमार इसी घर में जन्मे और यही उनका बचपन बीता। यही उन्होंने अपने आप को तराशा और मुंबई जाकर खूब नाम कमाया। किशोर कुमार बीते वक्त में मुंबई छोड़कर इसी स्थान पर बसना चाहते थे, पर कुदरत को ये मंजूर नहीं था और वह दुनिया छोड़कर चले गए। उनके आखिरी इच्छा अनुसार उन्हें खंडवा ही लाया गया। ये मकान एक चौकीदार के भरोसे है, जो पिछले करीब 50 साल से देख रेख कर रहा है। वह भी किशोर कुमार को आज भी याद करते हैं। साहब, यहाँ उनके माता पिताजी भी रहते थे, उनकी बुआ भी रहती थी। अशोक साहब पहले गए थे बम्बई तो अच्छे जम गए, दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए, तो फिर दोनों भाइयों को ये साथ में ले गए बम्बई। वह साहब किशोर साहब ने तो गाने बनाए बजाए फसीलास, उनका नाम तो हरफनमौला कर दिया था साहब पूरा। यहाँ आते थे दोस्त यारों से मिलना करना, हंसी मजाक करना, और तीन चार रोज रहते थे साहब चले जाते थे। आखिरी समय सच्चासी में भी मिल गए, दिवाली के पहले आए थे और उनकी इच्छा यही थी कि भाई कुछ दिन अब बम्बई में रहेंगे, कुछ दिन खंडवा में रहेंगे। इतना बोल के गए और कुछ दिन के बाद में खबर आ गई साहब अटैक से निकल गए, सब सुनसान हो गया। उनकी इच्छा यही थी कि भाई मैं कहीं पे भी मरूं, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर मेरी डेड बॉडी मेरे जन्म कमरे में ला के रखी जाए। वैसे किया, सवेरे 6 बजे शिवसेना की गाड़ी में उनकी डेड बॉडी लाए थे। किशोर कुमार का पुश्तैनी मकान आज जर्जर हालत में है। घर के अंदर रखा सामान मानो आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ दिन पहले इसके बिकने की खबर आई थी, लेकिन अमित कुमार ने समाचार पत्रों में नोटिस देकर इस पर विराम लगा दिया। उनके प्रशंसक आज भी इस मकान में किशोर कुमार को तलाशते हैं। किशोर प्रेमियों का मानना है कि किशोर हमारे भगवान हैं और घर उनका मंदिर। इनकी मांग है कि सरकार इसे सहज कर मंदिर स्मारक बनाए और यहाँ उनकी यादों को संजोए रखे। मैं द्वारकादास सोनी राजकोट से यहाँ पे 34 साल में 65 बार आया, 65वीं बार। वो कोई भी पोजीशन हो, जैसे कोरोना के हार्ड पोजीशन में भी मैं प्रतिबंध था, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आया और ये मेरा 65वां राउंड है। और मेरे को उनके मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है बस। मैं और कुछ, मेरे को उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। और उनके गीत गाता हूँ मैं, भारत भर में जाता हूँ। घर के हालात देख के मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत हालत में आँख में पानी आ गए मेरे को कि ये इतने बड़े हाईएस्ट आर्टिस्ट का इतने ये मकान, ऐसी पोजीशन। जो किशोरदा का जगह है वहाँ पे उस जगह को मंदिर ही बना देना चाहिए, क्योंकि भारत भर में से जो स्थान आते लोग तो वो मंदिर उन किशोरदा को पूछते, तो उनका मंदिर होना चाहिए उस जगह पर। स्मारक बनाया जाए, किसी प्रकार से भी मंदिर बनाया जाए, म्यूजियम बनाया जाए, उनकी जो भी स्टोरी है जिंदगी भर की उनके फिल्में हैं वो वहाँ पर दिखाई जाए, और जो बाहर गांव से आने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर स्थान दिया जाए। किशोरदा को खंडवा से बड़ा लगाव था। वह जब भी खंडवा आते थे अपने दोस्तों के साथ शहर की गलियों चौपालों पर कप्पे लड़ाना नहीं भूलते थे। उन्हें जलेबी खाने का बड़ा शौक था। उनकी ज्यादातर महफिल जलेबी की दुकान पर ही सस्ती थी। वे जब भी खंडवा आते तो वह आम आदमी की तरह जीवन जीते। उन्हें कभी भी एक स्टार होने का घमंड नहीं था। यही वजह है कि उनकी समाधि पर जाने वाले फैन दूध जलेबी का भोग लगाने के बाद ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किशोर कुमार तो अब नहीं रहे, लेकिन यह जलेबी की दुकान आज भी किशोर कुमार के नाम से चल रही है। दुकानदार किशोर कुमार की याद में रोज दूध जलेबी का भोग लगाते हैं।
ये किशोर कुमार जी की बहुत पसंदीदा दुकान है। वैसे किशोर कुमार जी को तो मैंने देखा नहीं है, बाकी दादा और पापा बताते हैं कि किशोर कुमार जी बहुत मजाकी टाइप के थे। वो पहले ये शॉप सिर्फ दूध जलेबी की हुआ करती थी, तो दादाजी के हाथ की उन्हें बहुत जलेबी पसंद थी, तो हमेशा जब भी आते थे यहीं पे बैठते थे और दूध जलेबी खाई गए प्यारे खंडवा शहर में बच जाएंगे यही गाना गाते थे। जो भी किशोर प्रेमी खंडवा आता है वो पहले इस दुकान पे आता है, यहाँ से जलेबी लेता है, जलेबी हम उन्हें खिलाते हैं और वो समाधि पे जाके दूध जलेबी का भोग लगाते हैं। आज भी हम ये दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले गान की जलेबी दादा को भोग लगाते हैं, उसी के बाद ग्राहक को जो भी कस्टमर्स आते हैं उन्हें देते हैं। खंडवा में जिस जगह पर किशोर कुमार का अंतिम संस्कार किया गया था उसी जगह पर उनके चाहने वालों ने उनकी समाधि बना दी, जहां देश भर से हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक माथा टेकने पहुंचते हैं, उन्हें गीत गुनगुना कर याद करते हैं। किशोर की याद शासन समाधि के पास ही किशोर स्मारक भी बना दिया गया है, जहाँ किशोर की कुछ यादगार फोटो सही दी गई है, यही उनकी मूर्ति भी लगा दी गई है। उनके चाहने वाले यहाँ भी आते हैं। किशोर कुमार के स्कूल के दोस्त बताते थे कि वह शुरू से ही बड़े चुलबुले थे। स्कूल में डिस्क बजाना और उस पर खड़े होकर नाचना उनका सगल रहा था। पढ़ाई में कमजोर किशोर कुमार टीचरों की नकल उतारने में भी माहिर थे। उनके दोस्त अब तक नहीं रहे, लेकिन आज भी युवा पीढ़ी में उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो किशोर कुमार को भगवान की तरह पूजते हैं और उन्हीं के स्टाइल में जीवन जीते हैं। किशोर ने 16,000 फिल्मी गाने गाए और उन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। किशोर कुमार मुंबई गए तो हीरो बनाने, लेकिन वह हीरो के साथ ही महान गायक भी बन गए। जिद्दी फिल्म से उन्होंने गाना गाने का सफर शुरू किया था। आज भी किशोर दा के कई फैन दूर दूर से उनकी समाधि पर साजो सामान के साथ आते हैं और उनकी समाधि पर सुरों की श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पहुँचे एक ऐसे ही किशोर फैन का कहना है कि किशोर कुमार की यह धरती उनके लिए जन्नत है। यहाँ आने के बाद वह अब आपस में अपने शहर ही नहीं जाना चाहते। देश भर से किशोर प्रेमी उनकी पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को या जन्मदिन 4 अगस्त समाधि पर माथा टेकने जरूर आते हैं। चाहे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, मेरी बहुत इच्छा थी आने की और ये हमारे चंद्रत्र साहब है, इनके माध्यम से मैं आया हूँ और बचपन से उनको सुनते आया हूँ। आज मेरी उम्र 51 चालू है, मैं उनको आज 30-35 साल से सुनते आ रहा हूँ। ऐसा इंसान और ऐसा व्यक्ति और ऐसा टाइगर कभी हो नहीं सकता। जो किशोर दा थे उनके जैसा अभी तक मैंने किसी को सुना नहीं और ना कोई होगा। मेरी यही इच्छा है कि जहाँ भी कहीं है वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दो। यही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में आया हूँ। उनके जो भूमि है खंडवा, वहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब घर पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, कि यहीं रुक जाऊँ, ऐसा हो गया मेरे दिल को, ऐसा महसूस हो रहा अंदर से, क्योंकि इतना प्यार और प्रेम ऐसा लोगों का जो देखा हुआ ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, हे 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 ये क्या हुआ। देखिए किशोर दा के बारे में कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो यूं ही नहीं होते हैं, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिन्होंने जन्मभूमि को इतना प्रेम किया कि बड़ी बड़ी जितनी भी फिल्में थी, मैं किशोर खंडवे वाला कहते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे खंडवा ले जाना, तो और वो आए भी। तो ये तो मिसाल है, मतलब ये एक कलाकार ही नहीं, एक ये ऐसा व्यक्ति है, किशोर कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो मतलब पूरी दुनिया के लिए मिसाल है यार। इतना बड़ा होने के बाद लोग अपना शहर छोड़कर मुंबई चले जाते हैं और वो मुंबई से कहते थे कि मुझे खंडवा आना है। एक किशोर अगर हमारे बीच में नहीं है तो वो किशोरदा की आत्मा खंडवा के हर इंसान में है। यहाँ पे रोजी रोटी से ज़्यादा व्यक्ति समय देता है संगीत को, अभिनय को और लोगों से व्यवहार बनाने में। किशोर कुमार ने यही इस खंडवा शहर को दिया है और किशोर कुमार कभी जा सकते ही नहीं है, वो समाधि में ही नहीं, यहाँ की रग रग में है, हर जगह है। जय किशोर। और हम तो यही कहेंगे कि किशोर दा को
चाहना इतनी आसान बात नहीं होती, किशोरदा से प्रेम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किशोरदा को अगर प्यार करना है तो उन्हें जीना पड़ेगा और किशोरदा को जीने के लिए खंडवा आना पड़ेगा। और देखिए हमारे साथ कितने सारे लोग हैं जो खंडवा आए हुए हैं अपने घर छोड़कर। किशोरदा हर एक कलाकार के दिल में ज़िंदा रहते हैं और किशोरदा के 92 जन्मदिन बना रहे, 92 जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और इस जन्मदिन पर किशोरदा के लिए बहुत सारे तोहफे हम लोग गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बस यही कहूँगा कि गुन गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था मगर इसलिए अब यही गुनगुनाता हूँ मैं।